वेलकम टू माय चैनल लजीज तरकारी। आज मैं आपको कुकर में मटन पुलाव बनाना बताऊंगी चावल का। देखिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चावल लिए हैं, 3 से 4 प्याज लिए मैंने जो स्लाइस में काट लिए, और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिन्हें मैंने भिगा कर रख दिया था, 3 से 4 हरी मिर्च लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्ची का है। इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ भी पीस ली है, 50-50 ग्राम लिया था जो मैंने, और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है, 1 किलो मैंने मटन लिया हुआ है, एक किलो पे 1 गिलास मैंने ऑयल लिया हुआ है, कुकर मैंने रखा हुआ है जिसमें मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। चलिए अब हम इंडक्शन पर कुकर रखेंगे, इसमें तेल डाल देंगे हम। तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए तभी हम इसमें खड़े गर्म मसाले से बघार लगाएंगे। देखिए हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम खड़े गरम मसाले से बघार लगा देंगे। इतनी अच्छा धुआं उठा है, समझो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। इसके बाद हम जो स्लाइस में कटी प्याज है उसे भी डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा भूरा नहीं करेंगे हम, हल्का ही रहने देंगे। देखिए बस इतनी ही प्याज हमारी रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसके बाद हम जो हमने पेस्ट बना कर रखा था जिंजर गार्लिक का, उसे डाल देंगे हम इसमें। इसको भी ज़्यादा डार्क नहीं फ्राई करेंगे, बिना पानी डाले धीरे धीरे मिक्स करते हुए ही फ्राई करना है हमें। अब हमने जो 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी खड़ी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। कुकर का पुलाव मटन का बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अब हमारा मसाला लगभग भुन चुका है, अब हम इसमें जो मटन हमने पहले से बॉईल करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। मटन बॉईल करने के लिए मैंने इसमें नमक डाला था, हल्दी नहीं डाली थी, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। अब हम इसको मिक्स कर देंगे मसाले में, मटन का जो रंग है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। समझिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसको हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए मटन का रंग चेंज हो चुका है, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है भुंजकर। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से मटन में नमक डाल के उबाली थी, इसलिए मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इस गिलास से मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे, 2.5 गिलास मतलब 750 ग्राम, क्योंकि गिलास बड़ा है इसलिए हम 2.5 गिलास पे 5 गिलास पानी डालते हैं डबल, लेकिन हम कुकर में पुलाव बना रहे हैं तो हम 4.5 गिलास पानी ही ऐड करेंगे। अब हम भुने हुए मसाले में पानी ऐड कर देंगे। पानी को हम ऐड करने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी को ज़्यादा नहीं खोलन देंगे। अब हमने जो चावल लिए हैं उन्हें हम अच्छे से धोकर इस पानी में ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने चावल धोकर मिलाना है, चावलों में ज़्यादा पानी नहीं रहने देना है क्योंकि हम कुकर में पुलाव बना रहे हैं। वैसे ही हमने 1/2 गिलास पानी कम डाला। हमारे पुलाव का जायका और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच पिसा गरम मसाला इसमें डालेंगे। डालने के बाद चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स इस तरीके से करना है कि हमारे चावल टूटे ना। यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं लंबे वाले, जो अच्छे पतले बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी पर ही हम इंडक्शन बंद कर देंगे। 2 सीटी नहीं लेंगे, सिर्फ 1 सीटी ही लेना है। देखिए हमारा पुलाव बनकर तैयार है, कितना अच्छा हमारा पुलाव दिख रहा है, चावल भी बहुत अच्छे लंबे हुए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। देखिए कितना जायकेदार पुलाव बना है हमारा कुकर का, ये जिस तरीके से दिख रहा है आपको उतना ही टेस्टी बना है, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।